Hello friends, welcome to my study feed of physical education channel। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बैडमिंटन खेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जिसमें आपके बैडमिंटन के इतिहास एंड मेजरमेंट्स और रूल्स शामिल होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का TGT PGT हो MP TET हो, सबके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं मेरे चैनल पे। थ्योरी वीडियोज, MCQs, अ प्रीवियस ईयर सभी के प्रैक्टिस कराए गए हैं और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रित करने वाली संस्था है, तो बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने वाली संस्था कौन सी है? वह है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, IBF। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया? तो आधुनिक बैडमिंटन खेल को इंग्लैंड ने विकसित किया। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल का पुराना नाम था? तो दोस्तों बैडमिंटन खेल का पुराना नाम फेदर टेनिस था। क्या था? फेदर टेनिस, और इसको बैटल डोर भी बोला जाता था, बैटल डोर भी बोला जाता था, और पिंग पॉन्ग टेबल टेनिस को बोला जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतरराष्ट्रीय कप की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो दोस्तों थॉमस कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थॉमस कप, उबेर कप बार बार पूछा जाता है। और इस थॉमस कप की प्रतियोगिता कब से शुरू हो रही है दोस्तों? तो 1948 से शुरू हुई है, और जो पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कप कौन सी प्रतियोगिता होती है? थॉमस कप, जिसकी शुरुआत 1948 से हुआ, और महिलाओं के लिए उबेर कप, जिसकी शुरुआत 1957 में हुआ। ये दोनों याद रखिएगा, थॉमस कप, उबेर कप बैडमिंटन के लिए, जिसका सूत्र मैंने बताया है कि पुरुष बैडमिंटन खेलते खेलते थम गए और महिलाएं उब गई, तो थम से थॉमस कप और उब से महिलाएं उब गई, यानी कि उबेर कप। थॉमस कप की शुरुआत 1948 में और उबेर कप की शुरुआत 1957 में, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता है? तो बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? तो चमड़ा वाला जो ग्रिप होता है वो अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार का स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती है? तो नायलॉन का होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोर्ट के मध्य में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो कोर्ट के मध्य में जो होती है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई, वो 5 फीट होती है। कितना होता है मध्य में? 5 फीट, मध्य में 5 फीट होती है, यानी कि 1.525 मध्य में होता है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.525 मीटर होगी। और वहीं पे आपको ऊंचाई कहेगा सिरों पर, किनारे पर, तो 5 फीट 1 इंच हो जाएगा, यानी कि 1.55 मीटर। नेक्स्ट है, इंडोर व आउटडोर शटल कॉक में भिन्नता होती है? तो इंडोर आउटडोर शटल कॉक में वजन की भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द से सूचित किया जाता है? तो बैडमिंटन खेल में कोई भी चीज उल्लंघन होता है तो उसको फॉल्ट शब्द से सूचित किया जाता है। किससे? फॉल्ट शब्द से, और इसमें लेट शब्द का भी प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन महिलाओं में के एकल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो बैडमिंटन महिलाओं को एकल में विजेता होने के लिए कम से कम 21 अंक जीतने होते हैं। कितने अंक जीतने होते हैं? 21 अंक। नेक्स्ट है, बैडमिंटन पुरुषों के एकल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो 21, महिलाओं को भी 21, पुरुषों को भी 21।
नेशनल बैडमिंटन महिलाओं के युगल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो 21 अंक। नेक्स्ट है, यदि खेल के दौरान शटल कॉक नेट को स्पर्श करती है तो क्या होता है? तो खेल जारी रहता है, रोका नहीं जाता है। नेक्स्ट है, जिस समय बैडमिंटन सही तरीके से खेला जाए कौन सी योग्यता सबसे कम महत्व रखती है? तो इसमें शक्ति यानी स्ट्रेंथ की कम जरूरत होती है, दिमाग की ज्यादा, बैलेंस की ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? तो जो हमारा कलाई यानी रिस्ट वाला भाग होता है, रिस्ट वाला, वही सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भाग किस प्रकार वितरित होता है? तो यह शरीर का भार दोनों पंजों के अग्र भाग पर होना चाहिए। हमेशा देखते हैं बैडमिंटन खेलते समय दौड़ते ही रहना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, तो उस टाइम जो पूरा शरीर का भार होता है एकदम पैर के पंजों पर होता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? तो करीब कंधे की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, खेल अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा फोर हैंड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? तो वह होता है स्टन ग्रिप। नेक्स्ट है, बैटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? तो वह है बैडमिंटन का, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले कहां खेला गया? तो पुणे में खेला गया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस सन में बनाए गए? तो 1887 में इसका सबसे पहले नियम बनाया गया। नेक्स्ट है, बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो 1887 में। नेक्स्ट है दोस्तों, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना हुआ था 1934 में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल में थॉमस कप किसके लिए है? तो यह पुरुषों के लिए है, और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1948 में। एंड उबेर कप की शुरुआत कब हुआ था? तो उबेर कप की शुरुआत हुआ था 1957 में, जो उबेर कप खेला जाता है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल का जन्म हुआ था? तो इंग्लैंड में, ए रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, बैडमिंटन का प्रथम क्लब कौन था? तो बैडमिंटन का प्रथम क्लब था बॉथ इंग्लैंड क्लब। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां पे हुई? तो वह कलकत्ता में हुआ था 1934 में। नेक्स्ट है, BWF का कार्यालय कहां है यानी मुख्यालय है? मलेशिया कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, ABF का फुल फॉर्म क्या है? तो ABF का फुल फॉर्म है एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। नेक्स्ट है, बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया? तो दोस्तों बैडमिंटन को ओलंपिक में 1962 बार्सिलोना स्पेन में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1966 में, यानी ओलंपिक में 1962 बार्सिलोना स्पेन में, और एशियाड में 1962 जकार्ता में, एंड राष्ट्रमंडल में 1966 में शामिल किया गया बैडमिंटन को। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन कितना होता है? तो शटल कॉक का जो वजन होता है 4.75 से 5.50 ग्राम, हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, शटल कॉक की लंबाई कितनी होती है? तो 62 से 70 सेंटीमीटर। नो, यहाँ पे गलती दिया है दोस्तों, शटल कॉक की लंबाई 62 से 70 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता कभी उतना लंबा, 62 से 70 एमएम होगा, ठीक है, 62 से 70 एमएम, ठीक है, 62 से 70 एमएम होगा यानी कि 6 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट है शटल कॉक के बेस का व्यास कितना होता है, तो जो बेस होता है उसका व्यास होता है 25 से 28 सेंटीमीटर। एंड शटल कॉक के अपर डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 58 से 68 सेंटीमीटर। अपर का जो ऊपर वाला होता है उसका व्यास होता है 58 से 68 और बेस जो नीचे वाला होता है वो 25 से 28। नेक्स्ट है शटल कॉक में पंखों की कितनी संख्या होती है, तो 14 से 16 होती है। नेक्स्ट है रैकेट की ओवरऑल ऑल लेंथ कितनी होती है, तो रैकेट की ओवरऑल लेंथ होती है, लंबाई होती है 68 सेंटीमीटर जो रैकेट होता है। ओवरऑल लेंथ की मतलब जो उसकी गोलाकार होता है और डंठल होता है जो डंडी होती है ये सभी मिलाकर के होता है 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रैकेट की ओवरऑल विड्थ कितना होता है, यानी चौड़ाई होती है 23 सेंटीमीटर। और जो रैकेट हेड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी होती है 28 सेंटीमीटर। एंड रैकेट का वजन कितना होता है, तो 4 से 5 ओंस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई जो होती है डबल्स और सिंगल्स दोनों के लिए 44 फीट होता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए चौड़ाई कितनी होती है, तो डबल्स के लिए 20 फीट चौड़ाई होती है। एंड सिंगल्स के लिए कितनी होती है चौड़ाई, तो 17 फीट, यानी कि 44 × 20 फीट डबल्स के लिए एंड 44 × 17 फीट सिंगल्स के लिए इसका ग्राउंड होता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो दोस्तों बैडमिंटन कोर्ट बनाते समय उसकी लाइन की जो मोटाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। सबसे मोटा लाइन होती है आपका फुटबॉल की 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हॉकी की होती है 7 इंच यानी कि 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद सभी की ऑलमोस्ट आपका होता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन बैडमिंटन की सबसे कम होता है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बैडमिंटन नेट की चौड़ाई होती है, तो नेट की जो चौड़ाई होती है वह 2 फीट 2.5 फीट तक होती है, 76 सेंटीमीटर, लेकिन 2 फीट आपका होता है। नेक्स्ट बैडमिंटन कोर्ट की नेट की लंबाई कितनी होती है, तो यह 20 फीट होती है। बैडमिंटन में जो नेट होता है सेंटर में वो 20 फीट लंबा होता है और 2 फीट चौड़ा। नेक्स्ट बैडमिंटन नेट में खाने का आकार कितना होता है, कैसा होता है, तो 15 से 20 mm का होता है जो खाना होता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन पोल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो 1.55 मीटर होती है बैडमिंटन पोल की ऊंचाई। नेक्स्ट है बैक गैलरी की चौड़ाई कितनी होती है, तो जो बैक गैलरी होती है 2.5 फीट यानी कि 76 सेंटीमीटर बैक गैलरी की चौड़ाई होती है। जो साइड गैलरी होती है उसकी चौड़ाई एकल के लिए 1.5 फीट यानी 46 सेंटीमीटर और युगल के लिए डबल्स के लिए 2.5 फीट यानी 76 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें सिंगल्स के लिए 1 और डबल्स के लिए 2 होती है प्रत्येक पक्ष में। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्विस लाइन पोस्ट से कितनी दूरी पर होती है, तो 6 फीट 6 इंच यानी कि 1.98 मीटर होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत दीवान खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है सैयद मोदी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है लेट किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों लेट शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। लेट शब्द बार बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेट शब्द हो गया दोस्तों, एंड फ्लाइट हो गया, वर्ड हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है, फॉल्ट हो गया, और यहाँ पे ये जो 3-4 शब्द है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट है बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता है, तो बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया है NM नॉटेकर एवं मीना शाह को, ठीक है। नेक्स्ट बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दिनेश खन्ना को दिया गया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, तो वो है SM आरिफ 2000 में। नेक्स्ट है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है।
नहीं अच्छा, बैडमिंटन का किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया में बैडमिंटन जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ये ध्यान में रखिएगा, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसके खिलाड़ी को शटलर्स बोला जाता है, एंड बास्केटबॉल के खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, सुदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदरीमन कप बैडमिंटन से संबंधित है, जो विश्व कप विजेता को दिया जाता है। नेक्स्ट है, रहमतुल्ला कप किस खेल से संबंधित है? तो ये रहमतुल्ला कप बैडमिंटन राष्ट्रीय पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है तो कौन कौन सा है दोस्तों? चड्ढा कप, कोनिका कप, यूनेक्स कप, बहुत बार पूछा जाता है, चड्ढा कप, कोनिका कप, यूनेक्स कप, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी, खेल रत्न तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो वो है दोस्तों पुलेला गोपी चंद। ठीक है, पुलेला गोपी चंद जो एक बैडमिंटन कोच भी है, जैसे कि आपका जो पीवी सिंधु है उसके भी कोच रहे हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन में जो इंडोर स्टेडियम होता है उसकी छत की ऊंचाई 9 मीटर होती है, वहीं पे जो बास्केटबॉल होता है उसकी छत की ऊंचाई 7 मीटर होती है, और जो वॉलीबॉल होता है इसकी छत की ऊंचाई 12.5 मीटर होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बैडमिंटन से रिलेटेड मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा है वन लाइनर के रूप में। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।